प्रकृति का मामला खराब हुआ है। ऐसे में जो हम समाज के लोग हैं, अगर हम लोग आगे नहीं आएगा और कौन आएगा आगे। मैं और भी हमें बहुत लोग दान भी करना चाहते हैं और कर नहीं पाते शर्म की वजह से। सच्चाई यह है कि जो लोग कहते हैं कि फोटो ना डाला जाए, उनके लिए मुंह में करारा तमाचा है कि वो डलने के बाद ये चीजें प्रसारित होने के बाद तमाम लोगों को राशन मुहैया होता है। हमारे बाबूजी ठीक है, कहते हैं धरती पे भगवान वो होता है जो किसी भूखे को खाना खिलाए और इंसानियत को जिंदा रखे। ऐसे में मित्र मंडल ट्रस्ट के जो लोग हैं शास्त्री नगर के, वो आप ओम मित्र मंडल ट्रस्ट हैं शास्त्री नगर में, तमाम लॉकडाउन जनता कर्फ्यू के दिन से लेके और लगातार लॉकडाउन में ये लोग जगह जगह मेरठ के एक इलाके में नहीं बल्कि ये खोज खोज के उन जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे उन मजदूरों को खाना खिलाने के लिए या जरूरत के सामान मुहैया कराने के लिए कम लोग पहुँच पा रहे हैं। हमारे साथ ये तमाम पदाधिकारी हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये तमाम पदाधिकारी, हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये इन सेवा को जिंदा करने के लिए इनके अंदर ललक है। सर एक बात बताइए, जहाँ पर रिश्ते नाते सब खत्म होते जा रहे हैं, अपने पराए का भेद खत्म होता जा रहा है, कोई मतलब कोई रिलेटिव एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे नहीं आता, ऐसे में आप लोगों की भूमिका सर इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? ऐसा है कि भगवान है, भगवान ने प्रेरणा दी है, माँ बापों ने प्रेरणा दी है, कोई अच्छा काम करो। घर में शादी ब्याह भी तो होता है, उसमें मेहमानों को बुलाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। आज ये ऐसी आपदा आई है, ऐसी आपदा में ये भी मेहमान मान लिए जाएं कि ये हमारे मेहमान आए हैं। मेहमान के लिए जिस प्रकार से आप घर का दरवाज़ा खोल देते हैं, उसी प्रकार से ये आज ये मेहमान है और ज़रूरतमंदों की सेवा करने के लिए इंसानियत आज जिंदा हो गई। सर मैं इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये अपने देश पे वैश्विक आपदा आई है। हमारा देश सतत प्रगति के प्रतिशील था और आगे आगे बढ़ रहा था, अब वैश्विक आपदा जो आई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सब लोगों का पूरा सहयोग, जिनके पास अनाज नहीं पहुँच रहा है, खाद्यान्न नहीं पहुँच रहा है, खाने के लिए भोजन नहीं पहुँच रहा है, उन सब के लिए ओम मित्र मंडल ये सब पूरे सतह आगे है और निरंतर ये अपना प्रयास कर रहे हैं और सभी लेबर क्लास को, जो लोग ऐसे हैं जिनको किसी तरीके से कोई सहायता नहीं मिल रही है, उसको ये निरंतर कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, आप दिखा देख सकते हैं, यहाँ सारा कंस्ट्रक्शन है, सब मजदूर हैं, बिहारी यूपी से मजदूर हैं, तमाम जगहों से मजदूर हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास 2 जून की रोटी मिल जाए, फिर राशन से पहले 2 जून की रोज सुबह शाम खाने को मिल जाए, सबसे बड़ी बात है। और ऐसे में क्या आपको डर नहीं लगता कि घर परिवार रुकते नहीं? मैं फैमिली रिश्तेदारों को भी फोन आ रहे हैं बराबर कि घर से बाहर ना निकलो, ये हो जाएगा। हमारे मोदी जी ने भी अपील करी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि घर से बाहर जो मजदूर हैं, जो ऐसे तबके के लोग हैं जिन्हें रोटी नहीं हो रही, वो उससे बड़ी सेवा कोई मानव सेवा नहीं हो सकती। तो अपने की सेफ्टी करते हुए हमने ग्लव्स वगैरह मुंह पे ये लगा के सैनिटाइजर करके खुद को भी इससे सेफ्टी करते हुए, लेकिन इससे बड़ी मानव सेवा वो क्या होगी? अगर हम घर में बैठे रहे हम जैसे लोग भी, और ये लोग वैसे भूखे मर जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी इस समय बड़ा कोई धर्म नहीं दुनिया का मानता कि जो गरीब आदमी जो भूखा प्यासा है उसे हम रोटी उपलब्ध कराएं। डर लगता है लेकिन अपनी सेफ्टी करते हैं, इनका भी हमें सेवा करनी है, इससे बड़ा डर क्या लगेगा? बिल्कुल। ये सतीश गर्ग हैं जो बीजेपी के पूर्व पार्षद हैं, पूर्व महामंत्री हैं, जनसेवक हैं और हमारे बीच तमाम लोग हैं। आपको सुनील चौधरी जी, जी सुनील चौधरी जी, मतलब किस तरह से आपको क्या लगता है कि घर परिवार आपको अंदर से एक लगता है कि जाना? भैया जी भगवान ने हमें दिया, हम उसका सदुपयोग करें, भगवान सबको खुद दे और सबको बांटे। जी जी ये हमारी इच्छा है, जिन जो लोग हैं जिन पर कुछ भी थोड़ी बहुत गुंजाइश किसी पर भी है वो सब मिलके बांटें ताकि हमारे यहाँ कोई भी भूखा ना रहे। बिल्कुल, कारवां जारी रहेगा, भूखा कोई नहीं सोएगा, ऐसा ही रहेगा। हम तन मन धन से हर तरह से जो है हमारा जो ओम मित्र मंडल है हर तरह से जो है सहयोग करेगा और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे इस मामले में। हमारे एक वॉलंटियर और भी हैं, क्या आप जिस तरीके से सेवा के लिए आप आगे आ रहे हैं कैसा लग रहा है? हमें तो हमारे बड़े भाई सतीशगढ़ जितेंद्र अग्रवाल से प्रेरणा मिली है, जब ये कहीं जाते हैं तो हमें अपने साथ लेके जाते हैं, हमें भी सेवा करने का मौका मिलता। बिल्कुल, प्रकृति ने हमें एक नसीहत दी है, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। प्रकृति को दोहन उतना ही करो जितना एक्सेप्ट किया जाए। आज जिस तरीके से चीन के वुहान से वायरस निकला है और वो महामारी का रूप धारण कर चुका है, ऐसे में लॉकडाउन ने इन तमाम चेहरों पे खुशी बिखेर दी है मित्र मंडल की तरफ से जो आज यहाँ पे मौजूद हैं। सवाल ये उठता है कि अगर ये ना होते तो भगवान का कोई ना कोई दूत जरूर इन लोगों को खाना खिलाने आता। कैमरामैन भूपेंद्र शर्मा के साथ विभूति रस्तोगी, ई रेडियो मेरठ।